हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं दिखाई हूँ कार्तिक पूर्णिमा स्पेशल प्योर भेज थाली, और इस भेज थाली में ये सारे वेजिटेबल्स का यूज हुआ है। तो इस थाली में मैं रखी हूँ ओडिशा स्पेशल डालमा मिक्स घंटो, आप उसको मिक्स वेज भी बोल सकते हैं, हम लोग उड़िया में घंटो बोलते हैं, मिक्स घंटो। एक दही बैंगन और एक साग की रेसिपी। तो ये घंटो और जो डालमा है उसके लिए मुझे बहुत सारे वेजिटेबल्स चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे वेजिटेबल को कट कर रही हूँ। और वेजिटेबल्स में यूज़ हुआ है कद्दू, कच्चा केला, मूली, अरबी, गाजर, पपीता, बैंगन, टमाटर, ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल्स का यूज़ हुआ है। आप आपकी मनपसंद के वेजिटेबल्स यहाँ पर ले सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा हिंदुओं का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार होता है। ये त्यौहार संपूर्ण भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुर का अंत किया था और वो त्रिपुरारी के रूप में पूजित हुए थे। कार्तिक पूर्णिमा इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने अपने पहला अवतार लिया था, और इस दिन सिख समुदाय अपने पहले गुरु नानक देव का जन्मदिन भी मनाते हैं। तो ये 12 महीने में ये कार्तिक महीना सबसे पवित्र और शुभ माना जाता है, इसलिए बहुत सारे लोग इस पूरे महीने में नॉनवेज छोड़ देते हैं और वेज ही प्रिफर करते हैं खाने में। कार्तिक पूर्णिमा के लास्ट 5 डेज को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, उसको पंचु को बोलते हैं, 5 डेज रहता है तो पंचु को बोलते हैं, और उस 5 डेज में हम लोग बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाते। बहुत लोग तो पूरे महीने भर भी नहीं खाते हैं नॉनवेज, और बहुत सारे लोग वो 5 डेज बिल्कुल भी नहीं खाते और अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। कार्तिक महीना जो है वो ख़त्म होता है पूर्णिमा के दिन, जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा रहता है, और उस दिन सब लोग सुबह उठ के नहा धो के मंदिरों में पूजा देते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ओडिशा का एक स्पेशल फेस्टिवल भी रहता है, वो है बोट फेस्टिवल। एक्चुअली मैं बिलोंग करती हूँ ओडिशा से, तो ये फेस्टिवल मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बोट फेस्टिवल के दिन हम लोग सुबह बहुत जल्दी उठ के नहा धो के छोटे छोटे नाव को पूजा करके पानी में तैराते हैं। बहुत पहले साधक लोग नाव में बैठ के बहुत दूर दूर तक ट्रेड यानी कि सौदा करने जाते थे, तब उनकी माँ बेटी बहन बहू जो भी थे वो लोग उनका पूजा करके उनको भेजते थे, और वो लोग जब वापस आते थे बहुत सारे धन दौलत लेके आते थे। तो उस चीज़ को मेमोराइज करके हम लोग हर साल ये बोट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, इसको हम लोग बोई तो बंदाना भी बोलते हैं। वैसे तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन हबीसो डालमा बनाते हैं, और उसमें स्पेशल इंग्रेडिएंट्स रहता है आओ यानी कि एलिफेंट एप्पल, बट वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैं यहाँ पे टेंपल स्टाइल डालमा बना रही हूँ, और उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी टूर दाल को भिगा रही हूँ 10-15 मिनट के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा चना डाल ले रही हूँ मिक्स घंटो बनाने के लिए, और इसको मैं आधा घंटा भिगो के रख दूँगी। यहाँ पे देखिए मैं ऑलरेडी काला चना, मूंग, छोले और मटर को भिगो के रखी हूँ, इसको मैं मिक्स घंटो बनाने के लिए यूज करूंगी। तो चलिए इसको कुकर में थोड़ा सा पका लेते हैं।
लास्ट में इसमें थोड़ा सा पानी और नमक डाल के इसको 2 से 3 सीटी आने तक पकाएंगे। यहाँ पे सारा सब्जी विदाउट ऑनियन गार्लिक बन रहा है, तो जिंजर का यूज यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा होगा। सारे जिंजर को मैं यहाँ पे अच्छे से कूट लूंगी। फिर यहाँ पे साग बनाने के लिए मैं पालक साग ली हूँ, आप कोई भी साग ले सकते हैं। साग बनाने के लिए थोड़ा सा मसाला चाहिए, जिसमें मैं ली हूँ जीरा। मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों, थोड़ा सा हींग पाउडर और कुछ ब्लैक पेपर। फिर ये सारे मसाला को अदरक के साथ अच्छे से कूट लूंगी। मसाला कूटने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा बड़ी को फ्राई करेंगे, जो कि उड़द दाल से बनता है। अभी एक बर्तन पे साग डालेंगे। फिर इसमें कूटा हुआ मसाला को डाल देंगे। फिर इसमें डालेंगे फ्राइड किया हुआ बड़ी और इसमें जाएगा कुछ वेजिटेबल्स, जैसे कि कद्दू, कच्चा केला, बैंगन, अरबी, मूली, आलू, ये सब इसमें जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा जैगरी पाउडर यानी कि गुड़। लास्ट में इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। मैं यहाँ पे ग्रेटेड कोकोनट डालना एकदम से भूल गई हूँ, पर आप यहाँ पे जरूर डालें, उससे एक अच्छा टेस्ट आता है। फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको कुक कर लेंगे। अभी चलिए डालमा बनाते हैं, और उसके लिए हम एक जगह लेंगे जिसमें हम दाल को जो भिगो के रखे थे उसको डाल देंगे। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के इसको पकाएंगे, जिससे दाल हमारा 70-80% कुक हो जाए। यहाँ पे देखिए दाल जो है वो 70% कुक हो चुका है, तो इस स्टेज में हम थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे और उसके बाद हम सब्जी डालेंगे। फिर इसमें डालेंगे क्रश्ड जिंजर और थोड़ा सा नमक। फिर इसको कवर करके हम दाल और सब्जी पूरी कुक होने तक पकाएंगे। अब यहाँ पे कुकर में जो चना दाल भिगो के रखी थी उसको डाल रही हूँ। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और नमक, थोड़ा सा हल्दी भी इसमें डाल देंगे और इसको 3 सीटी आने तक पकाएंगे। अब चलिए देखते हैं साग हमारा कितना कुक हुआ है। यहाँ पे साग जो है वो ऑलमोस्ट कुक हो चुका है और 2-3 मिनट में ये पूरा बनके रेडी हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए डालमा जो है वो एकदम बन चुका है, ऑलमोस्ट जो सब्जी और दाल है वो पक चुका है यहाँ पे। तो इस स्टेज में हम डालेंगे थोड़ा सा जैगरी पाउडर यानी कि गुड़ और थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट।
कोकोनट डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और टेम्पल में हमेशा कोकोनट डाला जाता है, तो इसलिए मैं भी यहाँ पर कोकोनट डाली हूँ। तो इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिक्स गांठा बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक मसाला प्रिपेयर करूँगी। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैं थोड़ी सी इलायची, थोड़े से लौंग, थोड़ा सा धनिया, थोड़े से ब्लैक पेपर, थोड़ा सा जीरा और ये तेज पत्ता डाल के इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद इसका एक फाइन पाउडर हम प्रिपेयर कर लेंगे। अभी एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, फिर ऑयल गर्म होते ही इसमें हम पंचफोरन, दो सूखी मिर्च, दो तेजपत्ता और थोड़ी सी हींग डालेंगे। फिर इसमें सारा सब्जी डाल देंगे। यहाँ पे मैं ड्रमस्टिक और कंकड़ का भी यूज की हूँ। फिर इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा क्रश किया हुआ जिंजर और सारे चीज को अच्छे से मिला लेंगे यहाँ पे। फिर इसको कवर करके हम पकाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे सब्जी जो है वो ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। तो ये स्टेज में मैं जो दाल पहले से कुक करके रखी थी वो सारा डालूंगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करूँगी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और पहले से जो प्रिपेयर करके रखी थी मसाला उसको भी डाल दूंगी। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और ग्रेटेड कोकोनट भी डाल देंगे इसमें, थोड़ा सा गरम मसाला और जैगरी पाउडर यानी कि गुड़ डालेंगे और ये सब्जी बनके रेडी हो गया। दही बैंगन बनाने के लिए अभी हम बैंगन को कट करेंगे और बैंगन को हम थोड़ा सा लंबे लंबे साइज में कट करेंगे। और यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। फिर एक जगह पे हम दही निकालेंगे, फिर दही में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर
फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्राई रेड चिली पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। फिर इसमें थोड़ा सा शुगर यानी कि चीनी ऐड करेंगे और ये सारे चीज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर एक पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे और इसमें बैगन को फ्राई कर लेंगे। बैगन अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इसको दही में डाल देंगे। फिर तड़का लगाने के लिए एक छोटा सा पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम होने के बाद उसमें डालेंगे पंचफोरन, एक ड्राई रेड चिली और एक ग्रीन चिली डालेंगे, थोड़ा सा करी पत्ता और थोड़ा सा हींग। एक मिनट इसको थोड़ा सा सॉटे करके हम इसको दही बैंगन में डाल देंगे। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल देंगे और ये हमारा दही बैंगन रेडी हो गया। अभी हम दाल में तड़का देने के लिए थोड़ा सा घी को गरम करेंगे। घी हमारा गरम होते ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, ड्राई रेड चिली, तेज पत्ता और थोड़ा सा हींग। फिर इसको एक मिनट सॉटे करके दाल में डाल देंगे। लास्टली इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राई रेड चिली पाउडर और ड्राई क्यूमिन पाउडर और हमारा ये डालमा भी रेडी हो गया। तो चलिए अभी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो आपको ये थाली की रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो देखना है तो वो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगी वो वीडियो आपके लिए लेके आने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू।